जली एंड दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर दो स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है बोर्ड्स का इन द मंथ ऑफ फेब आई नो कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूं ये वीडियो बनाने में सिंस यू नो दट आई एम इन इंडिया दीज डेज एंड आई वॉज बिजी इन फैमिली वेडिंग सो आई वॉज बिजी इन दैट आईड अलॉट बट था उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा टाइम नहीं दे पाई बट या yeah, मैं व्हाट्स एप ग्रुप पे जितना एक्टिव रह सकती थी रह के मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर किए रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल बट दिसरल वीडियो टू टेल यू की प्रैक्टिकल के लिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है मैंने आप लोगों को देखा है थ्रू आउट योर व्हाट्स एप कन्वर्सेशन समाइम्स आई वॉज नॉट एबल टू राइट एनी थिंग बट एज आई वॉज एबल टू रीड फ्यू थिंग्स इन योर ग्रुप डिस्कशन कि आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हो प्रैक्टिकल्स को लेकर इतना पैनिक नहीं करना होता बींग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट ठीक है आपको टेंशन है कि आपका प्रैक्टिकल कैसा जाएगा आपको वो थर्टी मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप पूरे साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सो यू जस्ट नीड टू मेक योर फाइल्स कंप्लीट ठीक है सबसे सिंपल चीज आपकी फाइल्स कंप्लीट होनी चाहिए साइंड होनी चाहिए oh आपकी टीचर से राइट right? वो कम्पलीट है वो एग्जामिनर देखता है फाइन सो दैट हैज टू बी देयर बीइंग अ कंप्यूटर साइंस और आईपी स्टूडेंट आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी सीधी आपको फाइल के साथ लगानी है सो एज यू नो कि आपके पास दो फाइल्स होंगी एक को हम रिपोर्ट या एक्टिविटी फाइल कहते हैं और दूसरी आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है तो जो रिपोर्ट और एक्टिविटी फाइल है उस उसमें तो प्रोग्राम्स होंगे सी प्लस प्लस के या जावा के जो भी आपका सब्जेक्ट है एज पर सी या आई दूसरी फाइल आपकी होती है प्रोजेक्ट फाइल जिसमें आपके प्रोजेक्ट का कोड आएगा अलोंग विथ दैट आपको सी डी पेस्ट करनी होती है अब आप, आप में से बहुत बहुत लोग इस चीज को लेके पैनिक हो रहे हैं कि मैम सी में कैसे राइट करना है सी बर्न नहीं हो रही सो so, उसके लिए सी डी बर्न करना इज वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर जो आपको सी में राइट करना है एंड सेंड टू सी करो बर्न की ऑप्शन आ जाती है दैट्स वेरी सिंपल बट एनी हाउ एक सच्चाई में आप लोगों को जो बता देती हूँ आपकी सी कोई चला के नहीं देखता है कोई भी चला के नहीं देखता है इट इज लाइक हजार में से वो भी ज्यादा होगा बट दस हजार में से शायद कोई एक सी कभी किसी ने यूज हो। इट्स नेवर डन इट्स इट्स अ फैक्ट बट ठीक है सच है लेकिन हम स्टूडेंट्स को अगर ये बता देंगे तो वो बिल्कुल ही उसको लाइटली लेंगे तो सीडी ये फॉर्मेलिटीज जो है इसपे कॉन्सेंट्रेट करने की जगह आई वुड से आप अपने कोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो आपने सीधी पेस्ट कर दी ठीक है कॉपी कर दिया फोल्डर को इट्स फाइन बट आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है दैट इज द कंसेप्ट जो आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे क्योंकि जो वाइवा है वो मैटर करता है आपकी नॉलेज उस टाइम पे एग्जामिनर को जो नजर आती है दैट्स ओनली वाइवा आपको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में जो आपको कंप्यूटर लैब में इंप्लीमेंट करने होते हैं वो अगर आपके पास आई पी है तो जावा का प्रोग्राम दिया जाएगा अगर आपके पास सी एस है तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दिया जाएगा वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज में आपको बताया हुआ है कि कौन से प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं किस तरह के प्रोग्राम्स दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको दो दिन पहले या एक दिन पहले खुद ही आइडिया दे देते हैं कि ये पांच प्रोग्राम्स कर लो इसमें से क्वेश्चन आएंगे नहीं भी दिए हैं तो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन और वहां पे आपको उनको करके दिखाना होता है प्रैक्टिस दोज प्रैक्टिस फॉर यो वाइवा सो वाइवा इज योर एक्चुअल इम्प्रेशन ठीक है बाकी अगर आपके थ्रू आउट स्कोर अच्छा रहा है आप क्लास में अच्छे रहे हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे एंड वो स्टूडेंट्स जिनके अभी तक मार्क्स अच्छे नहीं आए जो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने शुरू से कभी सी एस या आई पी को सीरियसली नहीं लिया बट लास्ट मोमेंट पे अब वो चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर करें अब उनके प्री बोज में तो आए नहीं हुए मार्क्स तो अब उनको ये डर है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें प्रैक्टिकल भी मिल जाए आप वाइवा के लिए प्रिपेयर करो गुड न्यूज ये है कि 24 से कम तो हम किसी को देते भी नहीं है ठीक है मार्क्स जो दिए जाते हैं दैट इज ट्वेंटी फोर टू थर्टी अनलेस आप हमेशा फेल होते हुए आए हो आपने कभी पास ही नहीं किया सब्जेक्ट कुछ आता ही नहीं है आपको देन इट्स अ रेयर केस बट इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट 24 मार्क्स से कम आपको प्रैक्टिकल में नहीं दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से एक्सटर्नल एग्जामिनर इज देयर ओनली टू क्रॉस चेक कि जो मार्क्स लगाए हुए हैं वो कोई बहुत ही नाजायज किसी को तो नहीं दिए दिए गए कि वो बच्चे को वाइवा में एक आंसर भी नहीं आता और क्लास टीचर बोल रही है कि नहीं जी बच्चा बहुत अच्छा है इसको तो मैं ट्वेंटी नाइन दूंगी एग्जामिनर विल नॉट अग्री ऑन दैट बट हाँ आपसे वाइवा में दस क्वेश्चन पूछेगा आप दो का आंसर नहीं कर पाए बट योर टीचर एज आई वॉन्ट टू गिव हिम थर्टी क्योंकि उसने पूरा साल अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको थर्टी मिल जाएंगे बट अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया वाइवा में देन यू कॉन्ट गेट गुड मार्क्स लाइक जो आपके टीचर देना चाहे तो भी सो जो मार्क्स है वो एटी परसेंट आपकी टीचर डिसाइड कर चुकी होती है पहले से कि कितने मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे ट्वेंटी परसेंट जो रह जाता है वो आपका वाइवा परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है सो अनलेस आपका वाइवा बहुत बुरा हो तब तक एग्जामिनर कुछ नहीं कहता एक्सटर्नल एग्जामिनर जो मार्क्स आपके स्कूल टीचर ने दिए है दे जस्ट साइन दैट शीट ठीक है सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट प्लीज डोंट पैनिक अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स सिर्फ अपनी फाइल्स कंप्लीट रखो अपने वाइवा वाइवा पे करो के लिए ऑलरेडी हैं जहां मैंने आपको हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं एंड आप में से काफी लोगों का वाइवा अब तक हो चुका है सो आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके स्कूल में फाइनल हो चुके हैं सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू देम कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके वाइवा में या आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे क्लास में सॉल्व करने के लिए इफ यू कैन पोस्ट दो इन द कमेंट्स बिलो वो दूसरों को हेल्प करेंगे सो so, अगर आप उन्हें कमेंट्स में लिखोगे सो इट्स अ हेल्प फॉर अदर स्टूडेंट्स सो डू पोस्ट दो बाकी आप लोगों का जिनका भी प्रैक्टिकल होना है स्टिल यू हैव एनी डाउट्स आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है सो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट्स बिलो बट आई एम रिपीटिंग डोंट पैनिक पैनिक करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता सो so, आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो और टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो प्रोजेक्ट ढूंढने में या उसमें जो मिल रहा है टीचर से बात करो सबमिट दैट सो इट्स जस्ट अ फॉर्मैलिटी ओके द मेन थिंग इज योर वाइवा एंड द मार्क्स वुड बी गिवन अकॉर्डिंगली सो दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल फाइनल बोर्ड एग्जाम आई होप यू गेट मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल फॉर यू एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो बाय द बाई अपलोड मोर कीप वॉचिंग Keep learning. Thank you.